और अफगानिस्तान के हालात को लेकर भारत भी लगातार एक्शन मोड में है और अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा है। तालिबान को लेकर भारत की चिंता का बड़ा कारण ये भी है कि उसके अब बड़ी संख्या में अत्याधुनिक हथियार और हेलीकॉप्टर्स भी उसके पास हैं, इसलिए अब भारतीय सेना भी अलर्ट है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से भारत की चिंता बढ़ गई है। तालिबान को जिस तरह से पाकिस्तान का समर्थन मिला है वो भारत के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। यही कारण है कि अफगानिस्तान की बदली परिस्थितियों को देखते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के नेतृत्व में भारतीय सैन्य अधिकारियों की एक बैठक होने जा रही है। इस बैठक में तालिबान से भारत के खतरे को देखते हुए सुरक्षा उपायों पर मंथन किए जाने की उम्मीद है। आपको बता दें कि तहरीक तालिबान, जैश ए मोहम्मद और हक्कानी नेटवर्क जैसे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित वैश्विक आतंकवादी समूह तालिबान की बढ़ती नजदीकियों को देखते हुए तीनों सेना के प्रमुख सीमा सुरक्षा को लेकर मंथन करेंगे। भारत के लिए अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होना इसलिए भी चिंताजनक साबित हो रहा है क्योंकि ऐसा पहली बार होगा जब अफगानिस्तान की जमीन पर एक भी अमेरिकी सैनिक मौजूद नहीं होंगे। भारत के लिए तालिबान इसलिए भी बड़ा संकट बनता जा रहा है क्योंकि तालिबान ने सिर्फ अफगानिस्तान पर कब्जा ही नहीं किया बल्कि अब बड़ी संख्या में अत्याधुनिक हथियार और हेलीकॉप्टर्स भी उसके पास हैं। तालिबान के हाथों में मौजूद अमेरिकी सेना के हथियार बड़े विनाश का कारण बन सकते हैं। अमेरिकी सेना और नेवी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ब्लैक हॉक को दुनिया के सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर्स भी गिना जाता है। अमेरिकी सांसद जिम बैंक्स ने कहा कि तालिबान के कब्जे में अब अमेरिका के मिलिट्री उपकरणों की $85 बिलियन से ज्यादा संपत्ति है। इनमें 75,000 गाड़ियां, 200 से ज्यादा एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर्स, 6,00,000 स्मॉल और लाइट आर्म वेपन हैं। लेकिन तालिबान के पास सिर्फ यही सब नहीं है, उनके पास नाइट विजन गॉगल्स, मेडिकल उपकरण भी हैं। ऐसी उम्मीद है कि ये अमेरिका निर्मित सैन्य हार्डवेयर जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी समूह को और खतरनाक बना सकते हैं और आतंकी इनका इस्तेमाल कश्मीर में भारत को निशाना बनाने के लिए भी कर सकते हैं। सुरक्षा की स्थिति तब और विकट हो जाएगी जब तालिबान कैडर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। दूसरा चिंता का कारण यह है कि तालिबान और पाकिस्तान में स्थिति आतंकवादी इस्लामाबाद में बैठकर भारत में किसी भी आतंकवादी हमले को अंजाम दे सकते हैं। तालिबान 1.0 से तालिबान 2.0 और भी ज्यादा खतरनाक दिखाई पड़ता है। तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जा दिलाने में पाकिस्तान की अहम भूमिका रही है। ऐसे में पाकिस्तान अब तालिबान के आतंकियों का इस्तेमाल भारत में आतंकी साजिश को अंजाम देने में कर सकता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।